Assalamualaikum, मेरा नाम है महनू खान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। बलूचिस्तान सिर्फ अपने संगलाक पहाड़, मादनियात और यहाँ के ड्राई फ्रूट्स की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के टैलेंट की वजह से भी जाना जाता है। चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी मैदान में यहाँ के लोग किसी से पीछे नहीं रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी वो अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं। यहाँ क्वेटा में नए टैलेंट को और ख़ास पुराने टैलेंट को भी एक और मौका देने के लिए एक एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया है, जो कि इदारा सकाफत में किया गया है हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से, ताकि नए आर्टिस्ट जो है उनको फ़रोग मिले। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मौजूद आर्टिस्ट से और जानेंगे उनकी आर्ट की थीम और ख़ासकर इस एग्ज़िबिशन से उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है। चलिए, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक आर्टिस्ट कृष्णा रे की, और उन्होंने बनाई है एक ख़ास किस्म की पेंटिंग जिसके अंदर जो है ज्वेलरी का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आखिर ये क्या है, इसकी थीम वो जानते हैं हम कृष्णा से। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। और ये पेंटिंग जो है ये मिक्स मीडिया आर्ट है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आई हैं, तो आपको नया कुछ देखने को ऑब्वियसली मिला होगा। और मुझे ये खुशी होगी कि आप अपने पॉइंट्स बताएं कि ये आपको पेंटिंग्स कैसी लगी यहाँ देख के, आके हमारा काम देख के कैसा लग रहा है। मैं तो कहूँगी भाई बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ किस्म की देखी, चटाई वाली देखी, कैनवस पे बनी हुई देखी, ये कुछ अलग है। इसके ऊपर ज्वेलरी का भी काम किया गया है और कल्चर से भी थोड़ी रिलेटेड नज़र आ रही है। इसके अंदर कुछ पैचेस और चीज़ें बनाई गई हैं जो इंतहाई खूबसूरत लग रही हैं। तो और मैं इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगी, यहाँ पर जो ये इवेंट करवाया गया है, एग्जीबिशन करवाया गया है, इससे एक आर्टिस्ट को क्या फ़ायदा होगा? आर्टिस्ट को बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि आप और भी काम करें, और ये होता है कि जब लोग आते हैं आपकी तारीफ़ करते हैं कि भाई आपका काम बहुत अच्छा है, तो वो और इंस्पायर होते हैं और वो और अपने काम के बारे में मतलब बताना चाहते हैं कि मैं ये कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। और फिर वो ये भी अपने फ्यूचर प्लान्स में भी बताते हैं कि भाई हमें आगे भी ऐसे काम करने चाहिए। और ये हो सकता है उनकी पेंटिंग्स भी सेल आउट हो जाए, तो वो भी एक प्रॉफिट की बात होती है। और अच्छा, लोगों का क्या रिएक्शन देखती हैं आप इन पेंटिंग्स, अपनी पेंटिंग के बारे में खास तौर पर? अपने पेंटिंग में तो माशाल्लाह बोलना नहीं चाहिए, फिर लोग बोलेंगे अपनी तारीफ करें, लेकिन ये एक जेन्युइन सी बात है कि जब भी यहाँ पे आते हैं मेरा काम देखते हैं लोग इंस्पायर होते हैं। वो इसलिए इंस्पायर होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट है, इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग और यहीं पर ही रह जाते हैं। ये शो स्टॉपर जिसे नहीं बोलते, ये उनका काम दोनों कर रही हैं। अच्छा, मैं आपका एक व्यू जानना चाहती हूँ इस बात पे कि जब नए आर्टिस्ट आते हैं क्या पुराने आर्टिस्ट को लोग पीछे छोड़ देते हैं, उनको अहमियत नहीं देते? नहीं नहीं, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका काम यूनिक है, आप काम करना चाहते हो, तो आप काम करते रहोगे। आप ये नहीं बोल सकते फलाने मेरी जगह ले ली, फलाने आपकी जगह नहीं ले सकते, आप खुद काम नहीं कर रहे ना। आप काम करेंगे तो आपके कैसे कोई जगह ले सकता है? तो मैं ये नहीं कह सकती कि भाई फलां आ गया या फलां को नहीं वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। और किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम बात करेंगे क्वेटा की मशहूर आर्टिस्ट शाज़िया से, और उनसे जानते हैं कि वो इस एग्ज़िबिशन के हवाले से क्या कहना चाहती हैं। आइए बात करते हैं। आज नहायत खुशी हो रही है कि काफ़ी अरसे के बाद जो बलूचिस्तान के आर्टिस्ट हैं वो लोग अपना काम यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले किया है। इस तरह के एग्ज़िबिशन्स होते रहते हैं जूनियर्स के, मगर सीनियर का जो उस लिहाज से अगर बात करें तो आज काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने अपना काम डिस्प्ले किया है, जो कि कल्चर पे उन्होंने काम किया है और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, लैंडस्केप पे किया है, स्टिल लाइफ किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के एग्ज़िबिशन्स यहाँ पर जो है मुनक्किद किया जाए ताकि हमारे आर्टिस्ट जो है प्रमोट हो, उनकी दिलजोई हो। तो ये चीज़ बलूचिस्तान में बहुत कम है कि आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाए, तो आज यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिली है। जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो हम साथ आज है, और निहायत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है इनका काम देख के, क्योंकि बलूचिस्तान में इस लिहाज से बात करें तो आर्ट का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। तो वक्तन बवक्तन जो है यहाँ पर ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हमारे आर्टिस्ट को एक मौक़े फराहम हो और वो आगे जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अभी मेरे साथ मौजूद हैं हफीज़ गौहर साहब, जो पंजपुर में आर्ट प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी एक ख़ास किस्म की पेंटिंग तैयार की है, उनसे जानते हैं कि उनका ये फ़न पारा जो है वो किस किस्म का है, किस थीम पर बनाया गया है। अच्छा, मेरा ताल्लुक पंजपुर से है, मैं आर्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और आर्ट के वहाँ दिलदार बहुत हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ गैलरीज मौजूद नहीं है, ना कि कल्चर सेंटर मौजूद है, ना कोई और अदारा मौजूद ताकि मैं बच्चों को इकट्ठा करूं और उनको आर्ट से रोशनास कराऊं।
और ये जो आपने बताया कि आप किस मीडियम पे काम करते हो, पहले मैं कैनवस पे काम करता था, 99 से लेकर आज तक मैं कैनवस पे काम करता रहा, लेकिन अभी लोग बदल रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कैनवस को तब्दील करूँ, और उसको मैंने ये इसी सरफेस के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया है। ये मैं बनाने के लिए देता हूँ, वहाँ पहाड़ी लोग हैं, एक कटोरे पानी के लिए कहीं दूर तक वो जाते हैं, मुझे तरस आता है, मैं उनको इसका पीस अलग देता हूँ और वो तकरीबन 1,000 रुपये का जो सरफेस का है, तो फिर इसी सरफेस को बनाकर मुझे देता है और मैं इसके ऊपर पेंटिंग बनाता हूँ, कैलीग्राफी भी करता हूँ। मेरे कई एग्जीबिशन हुए हैं, लंदन में भी मेरे 4 पेंटिंग बिक गए, ऑस्ट्रेलिया में भी बिक गए, लाहौर में भी बिक गए हैं, और पहली दफ़ा यहाँ पे मैंने एग्जीबिशन किया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पेंटिंग नहीं बल्कि बलूचिस्तान के हर बलूच और हमारे दूसरे जो शायकीन हैं उनके पेंटिंग बिक जाए, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और इस तरह के पेंटिंग और भी और खूबसूरत अंदाज में बनाएं। जो लोग ये एग्जीबिशन देखने के लिए आए हैं, आपकी पेंटिंग देखकर, बाकी पेंटिंग्स देखकर क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो लोग? वो देख के हैरान हो रहे हैं, और ये जब प्राइस पूछते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे पेंटिंग का कीमत है 40,000, तो वो एक दफ़ा हैरान हो जाते हैं कि इस पेंटिंग का प्राइस 40,000 है, ये तो बहुत महंगे हैं। मैंने कहा इस तरह के पेंटिंग 1,00,000 रुपये में भी लोगों ने लिया है, और इससे भी महंगे पेंटिंग लोगों ने लिए हैं, और इन लोगों को पता नहीं है ना कि पेंटिंग कितनी कीमती है। अभी आज एग्जीबिशन में उनको पेंटिंग के बारे में भी मालूमत हो गया, रंगों के बारे में हमें भी मोहब्बत हो गई, रंगों की सकाफत में के बारे में उनको भी उनने बहुत कुछ जान लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नुमाइश का इफ्तिता डायरेक्टर जनरल खाना फरंग ईरान कोयटा सैयद तकीजादा वाकफी और सेक्रेटरी कल्चर असगर हरिपाल ने किया। ये पेंटिंग एग्जीबिशन अभी हम लोगों का प्रोग्राम है कि ये हमेशा एक महीने में एक एग्जीबिशन होगा, और यहाँ पर आप लोग आए हुए होंगे, ये बिल्कुल हमारी ये गैलरीज थी, ये वैरान हो चुके थे, इसमें काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हम लोगों ने दोबारा इनको आबाद करने की कोशिश की है, और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका काम तो आप लोगों ने देखा कि किसी से भी ये कोई कम काम नहीं है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, मौका इनको नहीं मिला हुआ था, अभी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी कोशिश है कि इनको हम लोग मौका दें और अपने काम दिखाएं, और हम लोग हर मदद उनके साथ करने के लिए तैयार हैं। फार्मेट के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बंदम از این گالری زیبا دیدن کردم، امید داریم که مقدمه باشه این دیدار برای روابط خوب هنری و فرهنگی بین دو کشور دوست و همسایه ایران و پاکستان. آپ کو مبارکباد پیش کرتے کہ اس طرح کی بہت خوبصورت آرٹ ایگزیبیشن جو ہے آپ نے دکھا کے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کا ایگزیبیشن آگے چل کر ایران اور پاکستان کے درمیان ایک جوائنٹ ایگزیبیشن کیا پیش قیمت ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ آگے جو ہے ہم مزید ایگزیبیشن اس طرح کے جوائنٹ ایگزیبیشنس انعقاد کر سکیں۔ اب ہم بات کریں گے شرین زہری سے جو کہ جونیئر آرٹسٹ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس ایگزیبیشن میں آ کر کیا سیکھا۔ یہاں پر بہت کچھ سیکھا ہم نے، یہاں پر جو ہے پیپر سے بنا ہے، نیوز پیپر سے، بہت الگ ہے، بہت پیارا ہے، اور یہاں پر پیچھے جو ایک ہے یہ شیٹ سے کچھ بنا ہوا ہے نا، یہ بہت پیارا ہے۔ یہاں پر بہت الگ الگ چیزیں ہمیں ملے دیکھنے کو، بہت مزہ آیا، کافی مطلب اچھا ہے، یہاں پر آ کر بہت سیکھ لیتے ہیں ہم جونیئر آرٹسٹ، یہاں پر آ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں، پھر آگے سینئر بنے، انشاءاللہ ہم لوگ بھی سینئر بن جائیں گے، اور مزہ آیا۔ تھینک یو۔ اچھا، اس طرح کے ایگزیبیشن ہونے سے تمام آرٹسٹ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم جونیئرس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، سینئرس کو اپنی چیزیں دکھانے کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان سے سیکھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب میرے ساتھ موجود ہیں تجلہ کاکڑ، ان سے جانتے ہیں کہ انہیں یہ ایگزیبیشن کیسا لگا۔
हाँ, मैं भी एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ और मैंने लोगों के काम देखकर मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गई हूँ और डिफरेंट आइडियाज वगैरह यूज़ किए और बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ें वगैरह इनमें यूज़ किए। और मैं यहाँ पर नसीब खान जो है वो उसने बहुत अच्छा आर्ट्स किया है और बहुत अच्छा ही अपने आइडिया यूज़ किए। बलूचिस्तान भर से यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं अपने फनपारे लेकर, तो यहाँ पर जो लोग आए हैं उन फनपारों को देख कर उन्हें कैसा लग रहा है और बलूचिस्तान में इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए, इस पर ये क्या कहना चाहेंगे जानते हैं। अच्छा काम है माशा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपने काम को यहाँ पे उजागर किए, अपने जो है टैलेंट को दिखाने की कोशिश की है, तो माशा सबका काम बहुत अच्छा है, सबने बहुत अच्छे मेहनत से दिल से काम किया हुआ है, तो मुझे तो सबका काम बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी लगी आपको? सबकी मेहनत है, सबका टैलेंट है, किसी को हम अच्छा बुरा नहीं कह सकते, पर ये सबका काम अच्छा है, जो सारे सीनियर आर्टिस्ट है सबका काम अच्छा है, बस इतना कह सकते हैं हम। शुक्रिया आपका। नुमाइश के अख्तिताम पर तमाम आर्टिस्टों को शील्ड्स देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। जहां हम नए आर्टिस्ट को फरोग दे रहे हैं और उन्हें आगे ला रहे हैं ताकि वो मुल्क और कौम का नाम रोशन करें, उसी तरह हमें पुराने आर्टिस्ट जो हैं उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। यहां मैं मेंशन करना चाहूँगी मुनीर अहमद को, जिनके बारे में कई सारे पैकेजेस चले, यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस बनाई गई और उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत थोड़े उन्हें अटेंशन दे, उन्हें काम दे। मुनीर अहमद अब वेल्डिंग का काम करने पर मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी बिनाई जो है बहुत ही कमज़ोर होती चली जा रही है। इस सूरत हाल में गवर्नमेंट ने जो दावे किए हैं उन पर उन्हें पूरा उतरना भी होगा और उनको सपोर्ट करना होगा ताकि कोई भी आर्टिस्ट जो है वो पीछे ना रहे, ताकि उसकी मेहनत रायगा ना जाए और वो अपने हुनर को पीछे छोड़कर अब किसी और काम को करने पर मजबूर ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।